हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं एकदम मस्त हूँ, आप भी मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज एक बार नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ हो चुकी है। मैं दीपक बेदवाल अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को ले चलूँगा शारदा यूनिवर्सिटी, जो कि गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में स्थित है। तो आज मैं आपको शारदा यूनिवर्सिटी कैंपस की कुछ वीडियोस आप तक लाऊंगा, और आप तब तक वीडियो में बने रहें। मिलते हैं शारदा यूनिवर्सिटी में बहुत ही जल्दी। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ शारदा यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 पे। ये रास्ता जाता है हॉस्पिटल शारदा के लिए, और मैं अब आ चुका हूँ गेट नंबर 3 से। मैंने एंट्री कर ली है कॉलेज के लिए मेन गेट। ये शारदा यूनिवर्सिटी देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ये ब्लॉक नंबर 3, स्कूल ऑफ बेसिक साइंस एंड रिसर्च, ब्लॉक 2। ये मेन गेट ब्लॉक 2 का, काफ़ी अच्छे फूल खिले हुए यहाँ पे। अब मैं निकल पड़ा हूँ ब्लॉक 3 की ओर से, हॉस्पिटल की ओर आपको ले चलूँगा। ये आपको दिख रहा है शारदा हॉस्पिटल, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। आगे ले चलूँगा तो यहाँ पे आगे जा कर के ICICI बैंक, जो कैंपस के अंदर शारदा यूनिवर्सिटी में है। तो आपको जो भी बैंक का काम करना हो तो यहाँ कर सकते हैं आप। ये गेट नंबर 2, ये हॉस्पिटल का मेन गेट, ले चलते हैं आपको शारदा हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ पे जाते ही राइट हैंड पे आपकी माता की अच्छी प्रतिमा लगी हुई है, जो कि काफ़ी सुंदर दिखती है। जय माता रानी। हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। तो यहाँ से फिर मैं निकल पड़ा हूँ ब्लॉक 3, ये गेट नंबर 3, इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा लहराता हुआ। एक बार पुनः मैं आपको सरस्वती की मूर्ति की ओर, जो कि ब्लॉक 3 के ग्राउंड 2 के ग्राउंड फ्लोर में लगी हुई है, काफ़ी अच्छी प्रतिमा लगी हुई है, जो कि जो स्कूल विद्यालय जो भी एजुकेशन के क्षेत्र में जो है, तो सबसे पहले सरस्वती माँ की पूजा की जाती है, जो कि शिक्षा की जननी कहा जाता है इनको, वा वीणा धारिणी। काफ़ी सुंदर मूर्ति विस्थापित की हुई है। तो लिफ्ट से दिखाते हैं आपको, वन ज़ीरो और खुल जा सुन, लिफ्ट खुल चुकी है और लिफ्ट में हम जा चुके हैं।
शारदा यूनिवर्सिटी टेम्पल, शारदा यूनिवर्सिटी का मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ पे बनाया गया है शारदा यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आपको मैं ले चलता हूँ मंदिर के अंदर, आपको दिखाता हूँ कि मंदिर के अंदर कौन कौन से भगवान विराजमान हैं। चलते हैं। काफ़ी अच्छा लुक मंदिर को दिया हुआ है, तो देख सकते हैं। जय भोलेनाथ। तो शिवलिंग भी विराजमान है यहाँ पे, संकट मोचन, राधा रानी, माता रानी सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। ये राम दरबार आ गया, गणेश जी, और यहाँ पे महावीर जैन भी स्थापित किए हुए हैं, भोली शंकर भी है यहाँ पे, शिवालय भी है मंदिर में, आप अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब चलते हैं पुनः बाहर की ओर। बाहर में भी दो छोटी छोटी मंदिर विराजमान हैं, उनमें भी एक माता रानी और एक हनुमान जी है, और देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है स्टेज, तो देख सकते हैं दोनों मंदिर हैं। और ये काफ़ी अच्छा मंदिर, काफ़ी बड़ा, ये सरोजनी कैंपस और ये कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पे बन रहा है, आपको ले चलते हैं दोबारा, देख सकते हैं आप। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, कई देशों के बच्चे इसमें स्टडी कर रहे हैं अभी। ये मैं निकल चुका हूँ मंडेला हॉस्टल की ओर। ये मेरे लेफ्ट हैंड पे ये जो दिख रहा है आपको मंडेला हॉस्टल, ये काफ़ी बड़ा हॉस्टल है, विवेकानंद हॉस्टल। मंडेला हॉस्टल, वॉइस हॉस्टल, ब्लॉक 1, ये ब्लॉक 4 आ गया, इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ब्लॉक 7, PGDM, लो बिल्डिंग, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, स्कूल ऑफ डेंटल साइंस में शारदा हॉस्पिटल। एक्टिविटी सेंटर, ये PG हॉस्टल है, इसमें PG वाले बच्चे रहते हैं। ये कस्तूरबा, मदर टेरेसा और सरोजनी मेरे राइट हैंड पे हॉस्टल है तीनों के तीनों। आगे जाकर कुछ ही कदम बाद मंदिर आ जाती है। ये पूरा कैंपस यहाँ से बहुत ही अच्छा दिखता है, शारदा यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस।
दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।